नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। टीचर सेल्फ केयर टीम की तरफ से जो आपका सहयोग मिला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभारी हूँ मैं, उन लोगों को सबको प्रणाम करती हूँ। और मेरे पति जो है भोला घाट में सहायक अध्यापक के पोस्ट पे थे, जो कोरोना काल में 25/4/2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। जी, अपना नाम और परिचय दीजिए और कहाँ के रहने वाली हैं? जी, मेरा मैं स्वर्गीय संतोष कुमार की पत्नी हूँ, पूजा मिश्रा। मैं रामनगर में रहती हूँ। बताइए कि जो आपके पति की मृत्यु के बाद जो आपका टीचर सेल्फ केयर टीम की तरफ से जो आपका सहयोग मिला है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे टीम के बारे में? जी, TCT ग्रुप की तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उन लोगों को सबको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद भी बोलती हूँ। पहले उन लोगों ने मेरे आर्थिक स्थिति पे बहुत मदद की, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए बहुत वो है, जिम्मेदार मानती हूँ मैं। सुरेश सिंह जी को, विवेकानंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ, और साथ साथ आनंद भैया भी हमारे हैं उसमें, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की इसके लिए, TCT ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। और मेरे पति जो है भोला घाट में सहायक अध्यापक के पोस्ट पे थे, जो कोरोना काल में 25/4/2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये TCT ग्रुप वाले जितने भी हैं सब लोगों ने जो मदद दी, आज तक मैं उनके आभारी हूँ। मैं खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर वाराणसी। मैडम, आपके यहाँ एक टीचर हुआ करते थे संतोष, उनकी मृत्यु हो गई, उनके जगह पर उनके पत्नी को मिला है यहाँ पर नौकरी, और ये टीचर सेल्फ केयर टीम के तरफ से भी उनको कुछ सहायता मिली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सहायता उनको मिली है ये बहुत ही, इसको कहा जाए कि एक संकट की घड़ी में बहुत बड़ी सहायता होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और चूंकि इनके पति की असामयिक मृत्यु हुई थी और ब्रेन हेमरेज हुआ था, और टीचर्स केयर फंड के द्वारा सहायता मिली है, और ऐसे उन्होंने न जाने बहुत से टीचरों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया उनके परिवार को, जो कि विपत्ति के घड़ी में उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है उनके परिवार के लिए। पहले भी सहायता लोग करते थे, सभी टीचर्स विभाग में उनके सहयोग, लेकिन वो इतनी बड़ी राशि नहीं हो पाती थी जितना कि टीचर्स केयर फंड के माध्यम से हो पा रहा है। लोग थोड़ा सा सहयोग करते हैं, लेकिन इतने पूरे प्रदेश के टीचर मिल के लगे हुए हैं तो बहुत बड़ी रकम मिल जाती है किसी भी परिवार के लिए जिनके साथ टेस्टिंग होती है। तो ये एक परिवार के आर्थिक रूप से संबल देने के लिए, सहारे के लिए बहुत अच्छा प्रयास है अध्यापकों द्वारा किया गया है, और इसकी हम लोग सराहना करते हैं और सपोर्ट करते हैं, और अध्यापकों को मोटिवेट करते हैं कि सभी इसी तरह एक दूसरे का सहारा बने। बिना आज के समय में एक दूसरे का सहारा बने हम किसी भी परिस्थिति को नहीं उड़ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, और एक परिवार के भविष्य को, उनके बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसकी हम लोग बहुत ही प्रशंसा करते हैं। और आगे भी ये टीचर्स केयर फंड इसी तरह सहयोग करता रहेगा, ये हम सभी की अपेक्षा है, आशा है, और ये इसी तरह ये सहायता परिवार बढ़ता जा रहा है।